अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, व्यूअर्स आज हम बनाएंगे दाल माश। ये हमने ऑयल डाल दिया है, हम इसमें प्याज डालेंगे, इसको ब्राउन करेंगे, इसमें बाकी चीज़ें भी डालेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखते हैं आज हमारी दाल कैसी बनती है। दाल माश जो है हमने पहले से बॉयल कर ली हुई है, उसको हमने बॉयल किया हुआ है ताकि वो टाइम जो है वो कम लगेगा। हमारा दाल माश बनाने के लिए हम प्याज ब्राउन कर रहे हैं। प्याज ब्राउन हो जाएगा तो जो हमने दाल माश जो पहले से बॉयल की हुई है जी हमारा सड़ रहा था, क्योंकि हमारी जो है आँच वो बहुत तेज। इसमें आप टमाटर डाल देंगे, अदरक डाल दिया, थोड़ा सा हमने जीरा डाल दिया इसमें, नमक डाल दिया थोड़ा सा हमने इसमें, पत्ते जायका बड़ा मिर्च डाल दी, हमने हल्दी डाल दी थी। ये मसाला चाट जो है वो हमने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालने की, हमारी दाल जो है वो हम कितनी बना रहे हैं। हम चूँकि दाल बना रहे हैं सिर्फ ओनली ऑल वन एक प्लेट, उस वजह से हमने मसाले जो हैं दड़ा मिर्च होगी, जीरा हो गया, उसके बाद हल्दी होगी, नमक हो गया, और अदरक हो गया, लहसुन हो गया, टमाटर हो गया, प्याज हो गया, हमने उस हिसाब से डाले हैं ताकि हमारी जो है दाल सिर्फ हमने सिर्फ एक प्लेट बनी है। एक प्लेट हमारी जो क्वान्टिटी होती है तकरीबन 200 ग्राम की होती है राउंड अबाउट। हमने अपने रूटीन में इसमें थोड़ा सा दही डाल दिया, क्योंकि दही जो है डालने से इसमें ज़रूरी नहीं है लेकिन इसका टेस्ट जो है वो अच्छा बनना चाहिए। तो समझा जाता है ना कि घरों में दाल अच्छी नहीं बनती, ये बात ऐसी नहीं है कि घरों में नहीं अच्छी बनती। बस आप इंशाल्लाह इस रेसिपी को फॉलो करें और बनाएं और खाएं और इंजॉय करें और हमें दुआएं देंगे इंशाल्लाह। आपकी दुआएं भी चाहिए और आपके लाइक्स भी चाहिए होते हैं। पता क्यों होता है, जब आप लाइक्स देते हैं तो हमारा जो है मोराल बुलंद होता है, हौसले बुलंद हो जाते हैं, फिर अच्छे अच्छे खाने बनाने में, रेसिपी बनाने में मज़ा भी आता है और दिल भी करता है, क्योंकि आपकी चाहत उसमें शामिल हो जाती है। हमने दाल जो हमने पहले से बॉयल की हुई है, दाल माश जो है वो हमने पहले से बॉयल की हुई है। ये हमारी ग्रेवी जो है, मसाला जो है हमारा तैयार हो चुका है, जैसे ये पहले से दाल माश बॉयल की हुई है वो डाल।
दाल जो है हमने तो पहले से बॉयल की हुई है, उसमें टाइम बच जाता है। वैसे जो है अगर हम उसकी इसी के अंदर बॉयल करते तो उसमें 15 से 20 मिनट ले लेते हैं। हमने दाल आगे से बॉयल की है तो वो हमने इसमें डाल दी है। ये हमारी दाल तकरीबन तैयार है। अब हम इसको फ्राई में इसी के अंदर हम फ्राई कर देंगे। हमने गर्म मसाला डाल दिया, ये हमने काली मिर्च डाल दी उसमें फ्राई करने के लिए। ये खुश्क धनिया जो है तीखा वो डाल दिया है, जबरद मिर्च आ गई है वो डाल दी है, ये हमने सबल धनिया डाल दिया। ये हमारी जो है दाल चना वो सॉरी दाल चना नहीं दाल माश, ये हमारी दाल माश फ्राई तैयार है। बहुत आसान सी रहती है, आप बनाएं इसको टेस्ट करें और इंजॉय करें और हमें इंशाल्लाह शेयर करें, हमारी लाइक करें। थैंक यू व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।